कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मंडी के सेरी मंच में किया गया, जिसमें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा व सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सेरी स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र भेंट कर मंडी जिला के 12 वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पुलिस जवानों ने सलामी के उपरांत शोक शस्त्र का प्रदर्शन किया और 2 मिनट का मौन रखकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर ठाकुर ने कहा कि कारगिल युद्ध के उन वीर शहीदों जिन्होंने देश की अखंडता व सम्मान की रक्षा हेतु अपने अदम साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण नछावर किए हैं, उनकी पुनीत स्मृति एवं शौर्य को वे नमन करते हैं। उन्होंने शपथ दिलवाई कि देश के गौरव में इतिहास की रक्षा हेतु हम सभी पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। उन्होंने मंडी से शहीद हुए जवानों के बलिदान व उनके परिजनों के त्याग की सराहना करते हुए कहा कि हजारों मील दूर सीमा पर तैनात सैनिक का एक ही लक्ष्य राष्ट्र की रक्षा करना है। कारगिल के अघोषित युद्ध में हमारे 553 जवानों ने शहादत पाई, जिनमें 54 जवान हिमाचल से थे और उनमें से 12 वीर सैनिक मंडी जिला से संबंध रखते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 6 महीने के अंदर सैनिकों के कल्याण के लिए जहां जहां हमारे सैनिक की जो शहादत देते थे वहां केवल मात्र आर्मी पर्सनल जो है उनके बच्चों को, एक बच्चे को नौकरी दी जाती थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्धसैनिक बलों का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्धसैनिक बल जो है वो तो अग्रिम मोर्चे में भी होते हैं और पिछले मोर्चे में भी होते हैं। तो हमारे जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, हमारे जो उन बलों के बीच में जो शहादत देते हैं उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके उन शहादत जो हमारे देते हैं, हमारे जवान शहादत देते हैं, उनके परिवारों में से भी एक परिवार को नौकरी देने का एक नया जो काम किया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने अर्धसैनिक बलों के अपने लोगों को बधाई देने का, ये तो 5 लाख रुपए पहले दिए जाता था, अभी तो सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं, हमने हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री ने 5 लाख की उस राशि को बढ़ा करके 20 लाख रुपया किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। वैसे तो लगातार जहां जहां राष्ट्रभक्त नेता थे, सरकारें थी, इस समारोह को शान बान अंश से मनाने का लगातार प्रश्न होता रहा, लेकिन मैं आज हवारी हूं हिमाचल के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में कारगिल दिवस मनाया जाएगा और इस कारगिल दिवस को उन सैनिकों को जिन्होंने आज हमें स्वाभिमान से जीने का मौका दिया, उन वीर नारियों को, उन माताओं को, उन बहनों को जिनके सुहाग उजड़ गए लेकिन ये देश सलामत रहा,